और 2 महीने से करीब भूखा प्यासा बेचारा अंदर पड़ा हुआ था, अब देखते हैं इसका क्या हाल हुआ है। और तो स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में दोस्तों। तो आज फाइनली हमारे खानदानी कुएं के अंदर एक बिल्ली का बच्चा गिर गया है, तो उसका रेस्क्यू करना है मुझे। तो मैं यहाँ से रस्सी और बाल्टी लेकर निकल रहा हूँ। ये मैं रस्सी और बाल्टी लेकर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि बेचारा वहाँ बताया गया है कि 1 महीने से उसके अंदर गिरा पड़ा है वो, और भूखा प्यासा है। तो ये रस्सी और बाल्टी लेके मैं अपने खानदानी कुएं की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते हैं उसका रेस्क्यू मैं कैसे करता हूँ, किन किन चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ेगा दोस्तों इस बार। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो चलते हैं अपने खानदानी कुएं की तरफ। खानदानी कुआं यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर है, तो मुझे जाने के लिए बाइक का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे खानदानी कुएं के पास जाने का रास्ता दोस्तों बहुत ही बेकार है। इधर जाने में हर कोई आ भी नहीं सकता दोस्तों, तो पसीना पसीना छूट जाता है। देखिए आप रास्ता कैसा, झाड़ियाँ झाड़ियाँ जंगल ही पूरा, और इधर रात में तो कोई आता ही नहीं है। वो तो मैं हूँ तो इधर आ जाता हूँ, बाकी किसी के आने की हिम्मत नहीं। इधर रास्ता देखिए आप किस तरह है, ये भड़ंग भड़ंग चलती है गाड़ी, जंगल है पूरा जंगल। इस रास्ते भी मैं गाड़ी चला के ले जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ लोगों को पैदल निकलने में बहुत दिक्कत आती है, और मैं अपनी बाइक को लेकर जा रहा हूँ। तो हम क्या गांव के लोग, ऐसा चलता है हमारे इधर। फाइनली खानदानी कुएं के पास आ चुके हैं और देखते हैं इसके अंदर कि कैसा क्या बैठा हुआ है बेचारा। मैं अभी जस्ट यहाँ खेत पे आया हुआ था, मेरे को हमने गेहूँ बो दिए थे यहाँ पे, और मैं नेकड़ा पाट करने के लिए आया हुआ था। तब मैंने कुएं के अंदर झाँक के देखा कि इसके अंदर तो बिल्ली का बच्चा गिरा हुआ है, और पापा ने बताया कि वो 1 महीने से इसके अंदर ही गिरा हुआ है। तो घर वालों ने तो किसी ने हेड़ने की हिम्मत नहीं की उसको, लेकिन मेरे दिल है ना बहुत नरम है, इसके अंदर दया का भाव बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को ही निकालना पड़ेगा। हंसी आ रही है आपको बोलते हुए, ठीक है चलो आ जाओ कैमरा मैन, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। देखिए फाइनली ये भी मोटर चल रही है, और इधर देखते हैं किधर बैठा हुआ है वो। ये बैठा हुआ है वो आने के अंदर बैठा हुआ है, कैमरा मैन जिधर से आप जूम कर लो उसको, और देखो बताओ हमारे व्यूअर तक वो आले में बैठा है बच्चा। तो आले में दिखा, ये बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है, करीब 1 महीने से इसके अंदर ही बैठा हुआ है बेचारा। अब इसको निकालना तो पड़ेगा ना, 1 महीने से भूखा प्यासा रहा है। अभी कोई इंसान रहता तो 1 महीने में मर जाता, पर इस बेजुबान ने 1 महीने तक भूखा प्यासा रहकर ये बता दिया कि इंसानों से कई गुना अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है ये बिल्ली का बच्चा। इसको निकालना पड़ेगा। फाइनली वो अंदर गिरा हुआ है, तो मैं रस्सी और ग्लव से लेकर आया हूँ। ग्लव से इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हो सकता है वो मुझे काट खाए, इसलिए मैं पहले अपने हाथों में ग्लव से पहन लूँगा ताकि वो मुझे काटे तो मुझे कुछ ना हो। पहले मैं ग्लव से पहन लेता हूँ। ग्लव से के अंदर मिट्टी मिट्टी भरी हुई है, हम किसान आदमी भैया खेतों में काम करते हैं ना, तो मिट्टी इनमें आ जाती है। तो फाइनली क्या है, ग्लव से पहन लेता हूँ मैं दोनों हाथों में। मुझे यहाँ पर एक दादाजी मिले जो अपनी भैंसों को यहाँ पे चराते दिन रात। मैंने इनसे पूछा कि कितने दिन हो गए इसको गिरे को अंदर, तो इन्होंने क्या कितने दिन हो गए इसको यहाँ, 1 महीने 1 महीने से इसके अंदर गिरा हुआ है। किसी ने निकालने कोशिश नहीं की इसको, आपने भी नहीं की, क्यों नहीं की आपने? कैसे निकालेगा, उपयोग नहीं होगा, कैसे निकालने का नहीं है। हाँ। देखिए 1 महीना हो गया है, 1 महीने से भूखा प्यासा बेचारा अंदर बैठा हुआ है, इसको निकालने के लिए हमें आना पड़ेगा। हाँ। मैंने बाल्टी के अंदर रस्सी बांध ली है, इसको कुएं के अंदर पटकने से अच्छा है कि मैं इसको कुएं के अंदर लेके जाऊँ और जो बच्चे को इसके अंदर रख दूँ और मैं ऊपर निकाल दूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है वो मुझसे डर के नीचे भाग जाए, वो अगर कुएं में गिर गया तो और ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो मुझे कैसे भी करके उसको इसके अंदर रखना है और फिर उसको ऊपर खींचना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है साबित मेरे लिए, और बहुत मुश्किल आ सकती है क्योंकि लाइट भी चल रही है और मोटर भी चल रही है दोस्तों अंदर, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक थाले थाले पर रहना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। आ जाओ कैमरा मैन मेरे पीछे पीछे, आ जाओ कैमरा मैन, आ जाओ। फाइनली पहले तो मैं रस्सी को है ना यहीं पे कहीं पे बांध देता हूँ ताकि कुछ होगा तो मैं बच जाऊँगा। तो मैं इस रस्सी को है ना इस पेड़ से बांध देता हूँ, इसको यहाँ पे बांध देता हूँ, इसको यहाँ पे बांध देता हूँ। फाइनली मैंने रस्सी को पेड़ से बांध दी है ताकि कुछ हो तो मैं भी ऊपर चढ़ सकूँ, मालूम पड़े उसके चक्कर में अपन ही ऊपर निकल जाए, इसलिए अब पूरी रस्सी बांध दी है और अब इसको कुएं के अंदर लेके जाना है। तो इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है कुएं के अंदर, तो मैं उतर रहा हूँ
पहले मैं बाल्टी को अंदर पटक देता हूँ, उसके बाद ही मैं नीचे जाता हूँ। जा बाल्टी नीचे जाओ। फाइनली बाल्टी मैंने नीचे कर दी है और हमारा रस्सी बराबर है। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। अरे भैया जी, और यहाँ पर तो मेरा पैर रखने की जगह भी सुनी है, खतरा बहुत है इधर। हाँ अभी तो लेता रहा हूँ, जब तक वो लिखी रहे तब तक तो लेता रहा। उसके अंदर झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो गई है, तो पहले तो मैं उनको तोड़ देता हूँ, फिर आगे काम करते हैं। झाड़ियों को तोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम दिखेंगे कैसे। इसके अंदर उतरना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आप इसको है ना घर पे ना धो रहा है। पहले तो मैं झाड़ियों को ऊपर पटक देता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है पेड़ के अंदर। अब मुझे जाना है उस बच्चे के पास। अरे मैं चेक करता हूँ बच्चा कभी इसके अंदर बैठ जाए तो। बेटा बेटा आया, बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऊपर ही जा। वो बच्चा कूद के भाग गया है, देखिए आप किस तरह वो मुझसे डर रहा है। वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, वो देखिए दोस्तों किस तरह वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो डर रहा है दोस्तों, हो सकता है वो चढ़ भी जाए मेरे डर की वजह से। लेकिन यार एक महीने से भूखा प्यासा है, उसके बाद भी तंदुरुस्त है, देखो चढ़ रहा है वो। ये गुड गुड चढ़िया बेटा चढ़िया, देखो गिर रहा है बार बार क्योंकि वो मुझसे डर रहा है। उसको ये नहीं पता बेजुबान को कि उसको रेस्क्यू करने के लिए मैं आया हूँ। अब उसके पास मैं जा नहीं सकता, तो शेर को बच्चे उसको लेने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा मेरा हाथ में। मैं से डर के भाग रहा है वो। फाइनली हमने इसको रस्से को बांध लिया है, इसको जैसे तैसे लाना पड़ेगा ऊपर, और ऊपर ही आ रहा है तुझे मका ही आ दो पहला ऊपर तम आसो तो नहीं डाल डायरेक्ट ही जी का बिल्ला बनवा लियो का तो वो को झिटी है वाला मतलब। फाइनली ऊपर खेती लो जल्दी दे, रुको एक मिनट खेती लो धीरे धीरे ज्यादा नहीं। हां धीरे धीरे खेती लो। फाइनली हम दादाजी और हम मिलकर खींच रहे हैं उसको, नंबर एक ऊपर ला रहे हैं उसको, और रेस्क्यू सफल हुआ हमारा इस बार का। कैमरामैन करीब से आओ, कैमरामैन जल्दी इधर आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। और उसको ऊपर लाने में भारी बहुत ही घंटे से हम यहाँ परेशान हो गए थे। ऊपर आए हम इसको, और दो महीने से करीब भूखा प्यासा बेचारा अंदर पड़ा हुआ था। अब देखते हैं इसका क्या हाल हुआ है। और देखिए करीब एक घंटे से हम परेशान थे इसके पीछे, और इसको आखिर में हम लेके आए। इधर से कैमरा लाइट इधर से आएगी, इधर से। और इसको मैंने बड़ी मुश्किल से ऊपर लाया हूँ, देखना भागने की कोशिश कर। मैं ले जाओ, मैं ले भाग दिया, भाग दिया, छोड़ दिया उसको। कैमरामैन गया, कैमरामैन देखिए झाड़ी के अंदर आके बैठ गया है, छोटा सा बच्चा है। और अभी देखिए दोस्तों आप डर रहा है पूरा मुझसे, डर भी रहा है वो। ये वो भाग गया, इसको मैंने आजाद कर दिया। फाइनली हमारे एक घंटे की मेहनत ने रंग ला दिया, और बेजुबान को हमने कुएं से बाहर निकाल दिया, और वो चला गया, और हमारे मन को शांति मिल गई है। और फाइनली अब हम भी जाने वाले, क्योंकि हमको नहाना धोना है। 4:00 से 5-6 बज चुकी है अब यहाँ पे हमको। हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना तो जाना ही मत आप कहीं भी, क्योंकि एक घंटा हो गया परेशान होते हुए थे कुएं के अंदर। खतरे से खाली नहीं था अंदर जाना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।